नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नियो वोल्टेक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक और नई और बम्पर भर्ती के साथ हाजिर है नए और फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आधार कार्ड में आई भर्ती 2020 की। जी हां दोस्तों, अगर आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट कक्षा पास है तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आधार कार्ड में केंद्र सरकार द्वारा ये भर्ती निकाली जा रही है। जी हां दोस्तों, 5 अक्टूबर इस भर्ती की लास्ट डेट है। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और यहां पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है 5 अक्टूबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों ये रही आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि आप देख सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहां पर काफी सारे अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लोकेशन वाइज यहां पर है और डेट वाइज यहां पर मेंशन है। यहां पर डाउनलोड करने का लिंक भी दिया गया है, अलग अलग साइज की यहां पर पीडीएफ फाइल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गुवाहाटी के लिए वैकेंसी है 5 अक्टूबर लास्ट डेट है, न्यू दिल्ली के लिए 5 अक्टूबर लास्ट डेट है, बेंगलोर के लिए है, रांची के लिए है, मुंबई के लिए है, लखनऊ के लिए है, हैदराबाद के लिए है, दिल्ली के लिए है, चंडीगढ़ के लिए वैकेंसी है, बेंगलुरु के लिए है, काफी सारी अलग अलग राज्य के लिए यहां पर भर्ती निकाली गई है जो कि आधार कार्ड की भर्ती है। जी हां दोस्तों, इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप चाहें तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों ही मोड से आवेदन कर सकते हैं। यह रहा ऑनलाइन फॉर्म, आपको बताएंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है। जी हां दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है, और इस के लिए आप चाहे तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही मोड से अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको आज की इस नई ताजा भर्ती की पूरी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से इस वैकेंसी के बारे में पता तो चल ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके दोस्तों को जिनको इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तो आप उन सभी के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्तों को इस वैकेंसी के बारे में पता हो। अगर वो भी 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएट पास है तो वो भी आधार कार्ड की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सके, और इस साल 2020 में एक सरकारी नौकरी पा करके वो भी अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा दें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई और ताजा बंपर भर्ती की जो निकाली जा रही है आधार कार्ड की ओर से। दोस्तों इसमें सैलरी जो आपको मिल रही है 45,500 रुपए पर मंथ, आपको लगभग सैलरी मिल रही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती में आपकी ना तो परीक्षा होगी ना ही आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों ये सीधी भर्ती आप सभी के लिए निकाली जा रही है, जो कि ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी मिलेगी और आवेदन करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे। जी हां दोस्तों, अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि आपको बताएंगे पूरी जानकारी, वरना आप काफी सारे सवाल, काफी सारे कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में करेंगे और बार बार पूछेंगे कि सर हमें यह नहीं पता वो नहीं पता। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सीधा वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना होगा tipswarralbus.xyz। जी हां दोस्तों, tipswarralbus.xyz, जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे आप सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI, यानी कि आधार कार्ड में आई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की। दोस्तों यहां पर आप जैसा कि देख सकते हैं सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है, अकाउंट ऑफिसर की है, और यहां पर असिस्टेंट की पोस्ट भी है, स्टेनोग्राफर की है, अकाउंटेंट की है, MTS की है, क्लर्क की है, और काफी सारी यहां पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। और ये जो वैकेंसी निकाली जा रही है दोस्तों आधार कार्ड की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इस वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आधार कार्ड की वैकेंसी के लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं UIDAI.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आप जाकर के भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको जो है आधार कार्ड के रूल्स के मुताबिक ही मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन है, एज लिमिट जो है 18 से 56 साल है। ठीक है, तो आपकी अगर एज है 18 से 56 साल तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। एप्लीकेशन फीस जो है सभी कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री है, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो या फिर SC ST का हो, सभी कैंडिडेट्स फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ बताया जा रहा है 10वीं 12वीं ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में इनमें से एक भी क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए अगर आप सिर्फ 10वीं पास भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ बताया गया है कि यहां पर आपका एग्जाम भी होगा, लेकिन वो आपका कुछ ही पोस्ट में आपका एग्जाम लिया जाएगा, बाकी सभी पोस्ट में आपका केवल इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको यह नहीं
नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर केवल इंटरव्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें आपका एग्जाम भी होगा। तो यहाँ पर आप जो है नोटिफिकेशन पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपका एग्जाम होगा, किस पोस्ट के लिए आपका केवल इंटरव्यू होगा और किस पोस्ट के लिए आपका सीधी भर्ती के तहत सिलेक्शन होगा। अप्लाई कैसे करना है पूरी जानकारी यहाँ पर है। आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन करने के लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करते ही सीधा UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने काफी सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो इन नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो 5 अक्टूबर 2020 से पहले आप जो है डाउनलोड करके आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बटन मिले हुए हैं, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। जैसे आप क्लिक करेंगे आप सीधा नोटिफिकेशन को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एड्रेस भी दिया गया है। इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भर के भेजना होगा। यहाँ पर हर राज्य के लिए अलग अलग एड्रेस है पिन कोड के साथ में और लास्ट डेट 5 अक्टूबर है। तो यहाँ पर पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, किस प्रकार आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ठीक है, कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आप ऑनलाइन अप्लाई करना तो आपको बता दें किस प्रकार आपको अप्लाई करना है। वापस हमारी वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करते ही आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, ड्रॉप सीवी के बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप नए पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आपका सबसे पहले नाम डालना है आपका, फिर ईमेल आईडी डालना है, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद आपकी लोकेशन डालनी है। अगर दोस्तों आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पर फ्रेशर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको आपका रिज्यूम जो है अपलोड कर देना है। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ब्लैंक रह जाती है उसको फिल करके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सिंपल, बस आपको इतना सा काम करना है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के नीचे आप जाएं, वहां पर आपको एक एक नोटिफिकेशन के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके बताए हुए एड्रेस पर आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो को लाइक और ध्यान रखिएगा, बिल्कुल शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।